जय हिंद, वेलकम टू ऑल। हम लोग कर रहे थे एवरेज क्लास और इस टॉपिक के बारे में पिछले क्लास में आपको बताए हैं वेटेड एवरेज होता क्या है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक में अपना समय बचाना तो वेटेड एवरेज और डेविएशन मेथड मस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस। हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन का प्रैक्टिस एवरेज, वेटेड एवरेज पर बेस्ड, और कुछ एग्जाम्पल किए थे हम लोग, कुछ बाकी है तो उस एग्जाम्पल को हम कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे मेन क्वेश्चन पे। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 19 चिल्ड्रेन इन अ पार्टिकुलर स्कूल इज 50। ऑलराइट, व्हेन अ न्यू स्टूडेंट विद मार्क्स 75 ज्वाइन द क्लास, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ द क्लास। ठीक है, पहले स्टूडेंट कितने हैं, पहले चिल्ड्रेन कितना है 19, इसका एवरेज कितना दे रखा है 50 दे रखा है। बाद में कितना स्टूडेंट आता है, एक स्टूडेंट आता है, इसका मार्क्स कितना है 75 इसका मार्क्स है। देखिए यहाँ हम करते हैं एवरेज से कंपेयर। यहाँ पे देखिए ये कितना ज्यादा है, एक्स्ट्रा कितना है, ये वाला ये कितना एक्स्ट्रा है, आप बोलिएगा 25 एक्स्ट्रा है। ओके, अब 25 एक्स्ट्रा है तो इस टोटल 25 को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, इसको 25 को डिवाइड कीजिए 20 से, ये कितना हो जाएगा 1. ये हो जाएगा 40 यानी 2.5। ऑलराइट, तो बस सिंपल सी बात है, आपका पहले एवरेज कितना था 50, इस 50 में ऐड कीजिए 1.25, आपका फाइनल आंसर है 51.25। तो ये है कमाल वेटेड एवरेज का। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने का, तो डेफिनेटली अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं वेटेड एवरेज को, तो आपका काफी समय बच सकता है। वेटेड एवरेज और डेविएशन मेथड आपका बहुत समय बचा सकता है। तो आप अगर उस क्लास को नहीं किए हैं तो जरूर करेंगे उस क्लास को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ 29 स्टूडेंट इज 18। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 29, इसका एवरेज कितना है 18 है। इफ द एज ऑफ ए टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ द क्लास बिकम 18.2। पहले एवरेज था 18, अब कितना हो गया 18.2। ठीक है, तो फाइंड द एज ऑफ ए टीचर। देखिए यहाँ पर एवरेज बढ़ गया है, कितना है, पहले 18 था, अब कितना हो गया, ये हो गया 0.2 से इंक्रीजमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया है 0.2। क्यों बढ़ा है, क्योंकि एक टीचर आ गए हैं। ठीक है, एक टीचर आ गए हैं तो टोटल नंबर कितना हो गया 30। तो डेफिनेटली ये कुछ एक्स्ट्रा वेट लेके आए होंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा वेट लेके आए होंगे, सॉरी यहाँ पे एज है तो ये इनका एज कुछ ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे एवरेज में इंक्रीजमेंट हुआ है। ऑलराइट, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बस टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। ये 0.2 सब में बढ़ा है ना, पहले था एवरेज कितना 18 था, अब कितना हो गया 18.2। क्यों हुआ, क्योंकि एक आदमी पढ़ रहा है जिसका एज ज्यादा है, तो टोटल में इंक्रीजमेंट हो गया। ये जो 18.2 है ये सब में इंक्रीजमेंट हो गया, पहले था 18, अब कितना हो गया 18.2। क्यों भाई, क्योंकि पहले आदमी 29 था, अब 30 हो गया। ठीक है, तो बस इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 30 नंबर से, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस इसमें ऐड कर लीजिए जो पहले वाला था आपका, ये था आपका पहले वाला। तो क्या है, फाइंड द एज ऑफ द टीचर, टीचर का एज निकालना है, बस सिंपल सी बात है, इसमें ऐड कर लीजिए 6 को, 18 प्लस 6 हो जाएगा आपका कितना 24। तो ये है आपका राइट आंसर। तो काफी सिंपल प्रोसेस है, वेटेड एवरेज समझना काफी इंपॉर्टेंट है। उस पर बेस्ट आपको बताया था एग्जांपल शर्मा जी का फैमिली, वो जरूर आप समझिएगा, वो कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको इजीली समझा सकता है। ओके, तो शर्मा जी का फैमिली मस्ट है, आप जरूर देखिएगा उसको, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लीजिए क्वेश्चन आ गया, ये सब मेन क्वेश्चन है और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये सब के सब एग्जाम में आए हुए हैं और हम पैटर्न वाइज डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज 265 विजिटर ऑन संडे, ओके, एंड 130 विजिटर ऑन अदर डे। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डे बिगिनिंग विद मंडे। ठीक है, संडे कितने आदमी आते हैं 265 संडे। देखिए अगर महीना 30 दिन का है तो संडे कितना होगा 4 होगा, बिल्कुल नंबर ऑफ डे कितना होगा संडे का, संडे 4 रहेगा, तो उस दिन कितना आता है 265। ऑल राइट, और अदर डे कितने आएंगे, तो अदर डे कितना हो जाएंगे 26 हो जाएंगे, उसमें कितने आते हैं 130 आते हैं, 130 आते हैं। चलिए अगर आप बेसिक से सॉल्व करते हैं, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये रहा आपका नंबर और ये रहा एवरेज, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा सम, यानी 4 × 265 प्लस में 26 × 130 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा 26 प्लस 4 हो जाएगा 30। यहाँ से आप जो सॉल्व करके आप डिवाइड करके जो आंसर लाएंगे एकदम सेम टू सेम होगा जो आप वेटेड एवरेज से निकालेंगे। देखिए ये नंबर ऑफ डे है और ये है एवरेज, ओके एवरेज ऑफ विजिटर है,
तो वेटेड एवरेज लगा के या डेविएशन मेथड लगा के आप कैसे सॉल्व करेंगे, बस यही आपको समझना है। तो देखिए ये है आपका 265, ये है 130 और ये नंबर ऑफ डे है। तो इसका हम रेशियो ले लेते हैं। सबसे सिंपल क्यों रेशियो लेंगे, ताकि आपको कैलकुलेशन क्या हो जाए, सिंपल हो जाए। इसका रेशियो लीजिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 13, किसी कोई दिक्कत नहीं। ये क्यों लेते हैं आपको हम बता चुके हैं वेटेड एवरेज में। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे है 13 बड़ा नंबर है, इसको हम बेस मान लेते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, सिंपल। तो हम मान लेते हैं 130 एवरेज को हम बेस मानते हैं, इसको नहीं बेस मान सकते हैं, एवरेज को मान लिए 130, ये आप बेस मान लिए। अब इससे कंपेयर करते हैं इस डाटा को, इसको कंपेयर करेंगे कितना एक्स्ट्रा है, ये है 135 एक्स्ट्रा है। तो टोटल नंबर कितना है, 2 है, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 × 135। चलिए 130 से इसको कंपेयर करना रहता है, तो कितना है, तो 0 एक्स्ट्रा है, तो 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे भी नहीं। ओके, अब क्या करते थे हम, टोटल नंबर में इसको डिवाइड कर लेते थे। टोटल नंबर कितना है आपका, 2 + 13, ये हो जाएगा कितना, 15। तो इसको डिवाइड कीजिए, ये कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 9 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 130 + 9 = 18, इसको ऐड कीजिए, हो जाएगा 148। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आप कितना इजीली सॉल्व कर लिए, यहाँ कैलकुलेशन आपका कितना इजी है। और यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करने लगे, सबको ऐड करके डिवाइड करने लगे, तो आपका काफी समय लग जाएगा। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको बताते हैं, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 20, यानी हो जाएगा कितना, 1060। ओके, प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 18 हो जाएगा कितना, 3380। ओके, इसको आप ऐड कर लीजिए, ये ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 0086 14, यानी 04, और ये हो जाएगा कितना, 44। इसको डिवाइड कीजिए 30 से, ये जाएगा कितना बार में, एक बार में जाएगा, उसके बाद में कितना जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, और लास्ट में यस 8 बार में। तो अभी भी देख सकते हैं आपका आंसर सेम टू सेम है, बट भाई डिफरेंस क्या है, कि डिफरेंस यही है कि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है और यहाँ पे कैलकुलेशन है ही नहीं। ओके, तो आप समझ सकते हैं कौन सा तरीका बेस्ट है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ये बेसिक जो कि कचड़ा तरीका है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और आप सारे कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं, बस उस कॉन्सेप्ट को लगाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है क्या, इन अ क्लास ऑफ ATS स्टूडेंट 60% पार्टिसिपेट इन गेम एंड द रेस्ट डू नॉट, द एवरेज वेट ऑफ द फॉर्मर ग्रुप इज 5% मोर देन ऑफ द लेटर ग्रुप है। इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इज 51.5, देन व्हाट इज द एवरेज वेट इन केजी ऑफ द फॉर्मर ग्रुप। ओके, यानी आपको एवरेज वेट किसका निकालना है, फॉर्मर ग्रुप का। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है, इन ए क्लास 80 है, 80 में से 60% गेम में पार्टिसिपेट करता है, बाकी नहीं करता है। 60% पार्टिसिपेट करेगा, यानी ये हो गया आपका फॉर्मर ग्रुप FG और ये हो गया आपका लेटर ग्रुप। 60% पार्टिसिपेट करेगा, यानी 40% नहीं करेगा, इसका हम रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 और ये हो जाएगा 2। ऑलराइट, 3:2 का रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ द फॉर्मर ग्रुप इज 5% मोर देन द लेटर ग्रुप। अब 5% को तोड़िएगा तो कितना होगा, 1/20, तो यानी लेटर ग्रुप 20 है तो फॉर्मर ग्रुप कितना है, 5% एक्स्ट्रा है, ये कितना हो जाएगा, 21। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी सिंपल प्रोसेस है। चलिए अब देखिए ये आपका क्या है, ये तो आपका एवरेज है, सॉरी नंबर हो गया, ये नंबर हो गया और ये क्या है, एवरेज है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द एवरेज वेट ऑफ द फॉर्मर ग्रुप इज 5% मोर, ये एवरेज के बारे में बात किया गया है, ये नंबर है। तो अगर आप नंबर है, इसका सम कैसे निकालेंगे, नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज में तो निकलता है सम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सम, कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा कितना, 3 और ये कितना हो जाएगा, 6। ऑलराइट, और ये कितना हो जाएगा, ये है आपका कितना, 2 और ये हो जाएगा कितना, 40। ओके, तो इसको ऐड कीजिए और टोटल से कितना डिवाइड कीजिएगा, आप टोटल डिवाइड कीजिएगा 5 से, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 63 + 40 हो जाएगा 103/5। ओके, इसका एवरेज का कितना दिया हुआ है, इस सभी का एवरेज कितना दिया हुआ है,
51.5। किसी कोई दिक्कत नहीं, यानी इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 51.5। निकालना क्या है, द एवरेज वेट ऑफ फॉर्मर ग्रुप, यानी फॉर्मर ग्रुप यानी इसका आंसर आपको देना है। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। आपको आंसर देना है 21 का, 21 यूनिट का आपको आंसर देना है। एक काम करते हैं, 21 में हिडन है 7, 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 7 का मल्टीपल फाइंड कीजिए इस ऑप्शन में और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये 60 तो बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ओके। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बाकी आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आने वाला है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, यस ये हो जाएगा 2, ओके। तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 हो गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में कट जाएगा ना, 51.5 है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कट जाएगा 5/2। एक यूनिट का वैल्यू आ गया आपका, एक यूनिट का वैल्यू आ गया 5/2। आपको चाहिए क्या, 21 यूनिट का वैल्यू चाहिए आपको, 21 यूनिट का वैल्यू चाहिए। बस सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5/2 × 21, ओके। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 105/2, यानी बिल्कुल यही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देख सकते हैं आप कहाँ पे आपका टाइम बच सकता है और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। यस, ये क्वेश्चन है 2019 मेंस का, आपके सामने है मेंस का क्वेश्चन और आपके पास सारे कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है क्या, द एवरेज स्कोर इन मैथ ऑफ 90 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 9th इज 63। ये आपका एवरेज दिया हुआ है, ओके। टोटल स्टूडेंट कितना है, 90 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वर 10 मोर देन दोज ऑफ बी, ठीक है, यानी ए में 10 स्टूडेंट ज्यादा हैं बी के कंपेयर करें तो। द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन ए इज 30% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट इन बी, द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन बी इज, ठीक है। ये क्वेश्चन मेंस लेवल का है, आप देखिए कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट है कितना, टोटल स्टूडेंट कितना है, 90 है, और एक कंडीशन और दिया गया है, सेक्शन ए में 10 स्टूडेंट ज्यादा है, ओके। ए रहा आपका सेक्शन ए और ये सेक्शन बी, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितना है, 90 है, तो 40, 40, 80 और 10, 90, यानी 50 और 40 मान लेते हैं, इससे इसमें 10 ज्यादा हो गया। और क्या कंडीशन दिया हुआ आपके पास, ये बोला है 30% एक्स्ट्रा है। अब 30% को अगर आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, यानी इसमें अगर 10 है तो इसमें कितना है, 13 स्टूडेंट है। ऑलराइट, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये है एवरेज, ओके, ये एवरेज गिवन है। चलिए, ये है टोटल नंबर, ये है एवरेज, इसका कितना सम हो जाएगा, इसका सम अगर आप निकालते हैं, इसका ले लेते हैं एवरेज, ये हो जाएगा, सॉरी रेशियो ले लेते हैं, हम बार बार एवरेज बोल रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा कितना, 40, ओके। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 65 प्लस 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 और टोटल नंबर कितना है, 9, ओके। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 63, यानी 105/9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 63। तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकालिए, उसके बाद आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए इसका आंसर, ठीक है। बी ग्रुप के बारे में पूछा गया है तो आपको चाहिए 10 यूनिट का वैल्यू, एक सेकेंड, यस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक यूनिट का वैल्यू निकलेगा कैसे, इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 21 से कट जाएगा, ये कट जाएगा कितना, 3 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 9 × 27 यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 27/9। आपको आंसर क्या चाहिए, 5 हो जाएगा ना, ये तो 5 हो जाएगा, जस्ट फॉर अ मिनट इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, यस, ताकि क्लियर रहे आपके लिए, ये हो जाएगा 5। आपको आंसर क्या चाहिए, 10 यूनिट का वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन बी, तो बी का वैल्यू ये वाला है, तो आपको यही आंसर निकालना है। तो बस 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, 27/5 × 10 यानी 54 इज द राइट आंसर, 27 × 2 हो जाएगा 54, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो देखिए मेंस का क्वेश्चन है बट इजीली सॉल्व हो गया, तो काफी अच्छा बात है। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द सेम एज क्वेश्चन नंबर 3,
तो आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी 69 इज द राइट आंसर। आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करेंगे और कमेंट में करेंगे इसका करेक्ट आंसर। तो कमेंट कीजिए, अगर कोई दिक्कत होता है तो हम आपको सोल्यूशन देने के लिए तैयार हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है क्या, गिवन दैट द मीन ऑफ 5 नंबर इज 28, ओके, इफ वन ऑफ देम इज एक्सक्लूडेड द मीन गेट रिड्यूस्ड बाय 5, डिटरमाइन द एक्सक्लूडेड नंबर। ज्ञात है कि 5 संख्याओं का मध्य 28 है, यदि उनमें से एक को हटा दिया जाए तो मध्य 5 कम हो जाता है, तो हटाए गए संख्या ज्ञात कीजिए। लीजिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप एग्जाम में आते हैं, इस पैटर्न पे क्वेश्चन ना जाने कितने बार आ चुका है और आगे आते भी रहेंगे, ओके। क्वेश्चन बने कैसे, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे हवा में उड़ाएंगे आप देख लीजिए, बस समझ लीजिए एक बार आप। देखिए, यहाँ पे 5 संख्या है, 5 संख्या था पहले, उसका एवरेज है कितना, इसका एवरेज है 28। अब क्या बोलता है कि एवरेज घट गया, कितना घट गया, 5 घट गया। कब घट गया, जब एक नंबर इसी से माइनस हो गया। आप पहले 5 संख्या, अब कितना हो गया, 4 हो गया, क्यों भाई, क्योंकि इसी से एक हट रहा है। एवरेज में कितना घटा हो गया, एवरेज में घटा हो गया कितना, 5 घटा हुआ, पहले था 28, अब हो गया कितना, 23। ये कितना माइनस हो गया, माइनस का 5। अब माइनस का 5 एवरेज में हुआ है तो सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये माइनस जब लगा है तो सब में बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये कितना एक्स्ट्रा लेके गया होगा, यही आपको निकालना है, एक्स्ट्रा कितना लेके गया होगा। ये अगर आप निकाल लेते हैं तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं इसमें ऐड करके। तो चलिए, ये टोटल लॉस कितना का लगा, सपोज करते हैं टोटल लॉस कितना का लगा, ये लॉस लगा है 5 का, ठीक है। अब 5 का लगा है टोटल, यहाँ पर नंबर कितना है, 4, तो ये 5 × 4 कीजिए, ये हो गया 20, यानी ये 20 एक्स्ट्रा लेके गया होगा एवरेज से ये 20 एक्स्ट्रा लेके गया होगा, तभी 5 सब में कम हुआ है एवरेज, ठीक है। तो जो नंबर है वो नंबर है कितना, काफी सिंपल है, 28 प्लस 20 ये हो जाएगा 48। 48 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बात आप समझे क्या, यहाँ कोई एक भागा है तो कुछ एक्स्ट्रा लेके भागा होगा, तो एक्स्ट्रा कितना लेके भागा है, ये लेके भागा है भाई साहब 20, ठीक है, ये 20 लेके एक्स्ट्रा भागा है, तभी 4 को आप डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो एवरेज कितना आएगा, 5। समझ रहे हैं बात को, ये 5 का लॉस है, ये लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा सबको। तो बस यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, ये टोटल नंबर कितना है, 4 है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये एवरेज है, ये नंबर है, और सम निकलता है उस तरह से करने के बाद, इसमें ऐड कर लीजिए तो ये नंबर आपको फाइंड हो जाएगा। काफी सिंपल सी बात है, यानी 28 से 20 एक्स्ट्रा है, यानी ये 28 से कितना एक्स्ट्रा है, 20, और यही आउट हुआ है, जिसके कारण माइनस 5 सबको एवरेज में लग गया है। शर्मा जी के फैमिली के बारे में एग्जांपल दिए थे तो इसीलिए दिया गया था, ताकि जब क्वेश्चन सामने पड़े तो आप एग्जांपल लेके इजीली सॉल्व कर पाए और उसको समझ पाए। आई थिंक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर फिर भी दिक्कत हो रहा हो भाई तो कमेंट कीजिए अपने प्रॉब्लम को, हम तैयार हैं आपको सोल्यूशन देने के लिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप जरूर कमेंट कीजिए और हम रेडी हैं उसका सोल्यूशन देने के लिए ऑन द टाइम, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है क्या, लीजिए क्वेश्चन आ गया, मजेदार क्वेश्चन, ये फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है और ना जाने कितने बार आ चुका है। क्वेश्चन है क्या, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाई 2.5 व्हेन वन पर्सन ऑफ देम whose weight 56 kg is replaced by a new man, find the weight of a new man. 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है जब 56 किलो वाले व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति आ जाता है, नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। पहले कितने आदमी थे, 8 आदमी थे, चलिए 8 आदमी थे। अब हुआ क्या कि एक आदमी को रिप्लेस कर दिया गया, यानी पहले 8 थे, अब भी कितने हैं, 8 हैं। क्यों 8 हैं, क्योंकि एक आदमी को हम बदल दिए हैं, क्या किए हैं, बदल दिए हैं, ठीक है, यानी अब पहले भी 8 थे और अभी भी कितने हैं, 8 हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व, ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। तो पहले 8 थे, टोटल कितना हो गया, इंक्रीज कितना हो गया, ये इंक्रीजमेंट है 2.5 का, कितना में, टोटल 8 में, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.5 से, ये कितना हो जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 20, 8 × 16 और 4 × 20, एग्जैक्टली ये हो जाएगा 20 kg का इंक्रीजमेंट। तो फाइंड द वेट ऑफ ए मैन, देखिए यहाँ पे इंक्रीजमेंट है
तो बस इसमें ऐड कर लीजिए, 56 में ऐड कर लीजिए, 56 प्लस 20 ये हो जाएगा 76 इज द राइट आंसर। अगर डिक्रीज होता तो आपको करना पड़ता माइनस, ठीक है। यानी ये जो भाई साहब जो हैं जिनका वेट बदला गया है, जिनको अदला बदली किया गया है, वो भाई साहब 20 केजी एक्स्ट्रा हैं, जिसके कारण 2.5 एवरेज में इंक्रीजमेंट हुआ है। बात समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? ये भाई साहब एक्स्ट्रा होने के कारण ही सबको एवरेज में इंक्रीजमेंट, एवरेज में इंक्रीजमेंट का मतलब है कि ये भाई साहब 20 केजी एक्स्ट्रा लेके आए हैं। जो भी नए आदमी आए हैं वो 20 केजी एक्स्ट्रा लेके आए हैं, ठीक है। अब जब केक कटेगा तो सब में बटेगा, वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो काफी सिंपल है इस तरह का क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो डेफिनेटली 5 से 6 सेकेंड में भाई आप सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, बस आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है क्या, द एवरेज एज ऑफ 25 मैन इज 28 ईयर, ठीक है। व्हेन 5 न्यू मैन ऑफ एवरेज एज ऑफ 25 ईयर ज्वाइन देम, फाइंड द एज ऑफ ऑल द मैन टुगेदर। यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, 25 आदमी है, ठीक है। इसका एज कितना है, 25 ईयर्स, ये इसका एवरेज ईयर है, ठीक है। 28 साल के हैं सब कोई, एवरेज कितना है भाई 28, ये 25 क्या है, नंबर ऑफ पर्सन। ओके, अब क्या है कि 5 न्यू मैन ऑफ एवरेज एज 25 ईयर ज्वाइन। अब 5 आदमी और बढ़ते हैं, ठीक है, 5 आदमी और बढ़ते हैं, जिन सब का एवरेज एज कितना है 25, ठीक, 25, यानी 5 आदमी आए 25 साल के सब कोई आए हैं। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है आपका मैक्सिमम वैल्यू, ये है आपका मिनिमम वैल्यू। एवरेज का हम कंपेयर करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, ये आपका मिनिमम है, ये है मैक्सिमम। तो जो आपका फाइनल आंसर होने वाला है डेफिनेटली इसके बीच में रहेगा, 28 और 25 के बीच में ही आपका फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो कि 28 से ज्यादा है और ऑप्शन नंबर ए 28 से ज्यादा है, तो बिल्कुल इसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि ये आंसर हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर लिए काफी आसानी से। इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी पिछले क्लास में आपको बताए हैं, तो जितने कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं डेफिनेटली सारे के सारे यूजफुल हैं आपके लिए। अगर आप उसको नहीं देखें तो जरूर से जरूर आप उसको देखें। ऑलराइट, देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। 25 आदमी है जिसका एवरेज एज कितना है 28। अब होता क्या है कि 5 आदमी और बढ़ते हैं जिनका एवरेज एज कितना रहता है 25, ठीक है। तो यहाँ डिक्रीजमेंट कितना का है, यहाँ पर डिक्रीजमेंट कितना का है, तो आप बोलेंगे सर -3 का है। अब -3 का है तो किसके कारण है, ये 5 आदमी के कारण हुआ है, ठीक है। 5 आदमी कारण मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा -15, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस का 15 हो गया। अब चलिए माइनस का 15 तो हो गया, ठीक है। तो किसको किसको आप बांटिएगा, आपको हम बताए थे जब केक काटेंगे तो सब में बांटेंगे। अब ये -15 सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे कोई आ गए हैं एक ग्रुप में आ गए हैं, टोटल 30 नंबर हो गए हैं, लेकिन ये लोग लगाएंगे घाटा लगाएंगे कितना का, तो -15 का टोटल नंबर कितना है 30 से डिवाइड कीजिए, ये कितना हो जाएगा 0.5। इसको डिवाइड करेंगे 1/2 को 0.5 बोलिए। ओके, अब ये 0.5 क्या है, माइनस का है, तो माइनस लगाएंगे, तो 28 आपका पहले था एवरेज 28 था, अब इसमें माइनस कीजिए 0.5 को, ये आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 27.5 इज द राइट आंसर। तो यही इसका परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई थिंक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और एकदम इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपते हैं भाई और हमेशा छपते रहेंगे, ठीक है। तो इससे कुछ बाहर नहीं आने वाला है, जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा रहे हैं वही क्वेश्चन एकदम आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। और आप मेरे साथ मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। यस, ये भी क्वेश्चन है, लीजिए ये क्वेश्चन कितना बार आया हुआ है, हर एक बार आता है, ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है भाई, और आप जब भी मॉक टेस्ट देते होंगे तो बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आता ही आता है। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज सैलरी ऑफ ए पर्सन फॉर अ मंथ ऑफ फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई इज 12,000 है, एंड दैट ऑफ द मंथ मार्च अप्रैल मई एंड जून इज 3,000। इफ हिज सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून इज रुपीज 6,000, देन व्हाट इज द सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है। फरवरी मार्च अप्रैल और मई के महीने की एक व्यक्ति का औसत वेतन 12,000 रुपया है, और मार्च अप्रैल मई और जून के महीने के लिए
3,000 रुपये का है। यदि जून महीने के लिए उनका वेतन 6,000 है तो फरवरी महीने का वेतन क्या है? लीजिए, इस तरह क्वेश्चन आप बहुत बार देख चुके होंगे, मॉक टेस्ट में तो जनरली आता है और एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है। तो स्टार्ट होते हैं, क्या है क्वेश्चन? फरवरी में है तो चलिए फरवरी का एफ ले लिए, मार्च का ले लिए एम, और क्या है अप्रैल, ये सब मिला के कितना इसका एवरेज कितना हो रहा है? 12,000 हो रहा है। मार्च हो गया यहाँ पे और लेंगे अप्रैल, ए अप्रैल ले लिए, एंड मई, यहाँ एम है तो यहाँ पे एम ए वाई कर लेते हैं मई के लिए। ओके, इसका कितना है? 12,000 है, ठीक है 12,000 है, ठीक है 12,000। और नेक्स्ट क्या है? मंथ मार्च है, लीजिए मार्च, अप्रैल का ए प्लस में मई का एम ए वाई, मई लेना हो पूरा, और यहाँ पे जून, जून ठीक है, इसका कितना है? इसका है 3,000। ओके कोई दिक्कत ना, इसका लेते हैं हम लोग डिफरेंस, ये तो बहुत फेमस पैटर्न है। देखिए यहाँ पर मई है, यहाँ भी मई है, डिफरेंस लेंगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे है अप्रैल, यहाँ पे है अप्रैल, कैंसिल हो जाएगा, मई मई कैंसिल हो जाएगा, यानी फरवरी माइनस जून आ गया। इसका वैल्यू कितना आएगा? डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डिफरेंस 9,000 इज द डिफरेंस। देखिए यहाँ पे एवरेज है, टोटल नंबर कितना है? 4, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो आप बच्चे की जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, 4 से और यहाँ भी 4 से उसके बाद डिफरेंस दीजिएगा, नहीं भाई बिल्कुल ये काम तो करना ही नहीं था, डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंस निकाले हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 36,000, 36,000 हो गया। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? जुलाई का, जुलाई का दिया हुआ है कितना? 6,000, तो बस इधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी फरवरी का जो वैल्यू है वो 36,000 प्लस में 6,000 इज द राइट आंसर, यानी 36 प्लस 6 हो जाएगा कितना? 42, 42 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखें तो ये सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में आते हैं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन, तो बिल्कुल इससे बाहर कहीं से नहीं आने वाला है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ एन नंबर इज 58, ठीक, एन संख्याओं का एवरेज कितना है? 58 है। इफ ईच ऑफ 65, इफ ईच ऑफ देम होगा, ईच ऑफ देम इज 65 ऑफ द नंबर इज डिक्रीज बाय 16, ओके इफ ईच ऑफ 65, यानी टोटल नंबर में से 65 जो है 65% को 16 को बढ़ा देंगे, 16 से बढ़ा देंगे, एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज डिक्रीज बाय 9, ओके 65% को जितने भी नंबर हैं उसके 65% को 16 बढ़ा देंगे और 9 घटा देंगे, और रिमेनिंग में से 9 घटाएंगे, सॉरी फॉर दैट, रिमेनिंग में से 9 घटा देंगे, देन द न्यू एवरेज ऑफ द नंबर, ठीक है, क्या नंबर कितना है? नंबर है आपका 58, नंबर कितना है? 58। अब क्वेश्चन क्या है? इफ ईच ऑफ 65% ऑफ नंबर इंक्रीज बाई 16, 65% का वैल्यू कितना होता है? 65% का वैल्यू अगर आप निकालेंगे, ये हो जाएगा 65/100, ये हो जाएगा 13/65 और 20/100, ठीक है, यानी टोटल नंबर, टोटल नंबर को हम 20 मान लेते हैं, नंबर यहाँ पर, नंबर को अगर हम 20 मानते हैं तो कितना? 65% 13 हो गया और रिमेनिंग कितना हो गया? 7 हो गया। बात समझे क्या? आप बात समझे क्या, क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, यहाँ एन, सॉरी ये तो एन नंबर नहीं है, ये तो एवरेज है, एवरेज ऑफ एन नंबर, सॉरी फॉर दैट, ये एवरेज है आपका दिया हुआ कितना? 58। देखिए क्वेश्चन क्या है? एन नंबर है, ठीक है, उसमें बोल रहा है कि इस जितने भी नंबर है उसमें से अगर 65% को, 65% जो नंबर आएगा उसमें अगर हम 16 बढ़ा दें और 65% के अलावा जो नंबर है अगर उसमें से हम 9 घटा दें तो जो एवरेज बनेगा वो क्या होगा? ठीक है, अगर एन नंबर का एवरेज दिया हुआ है 58, क्वेश्चन समझ गए आप, ये हो गया आपका नंबर। अब क्या बोला गया है कि ये 65% का वैल्यू हो गया, ये रिमेनिंग का वैल्यू हो गया। अब बोल रहा है कि ये 65% में कितना बढ़ाएं? 16 बढ़ाएं, तो लीजिए 16 बढ़ा दीजिए, और बोल रहा है कितना, और बाकी में कितना घटा दें? 9 घटा दें, 13-9। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? ये 13 और 7 कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, एक सेकेंड। ऑलराइट, देखिए तो यहाँ पे आप कैसे लगाइएगा, देखिए यहाँ पर आप जान रहे हैं, आप दोनों कॉन्सेप्ट जानते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पे बेसिक से करना है तो भी हो सकता है। चलिए ये आपका क्या है, एवरेज क्या किया गया है, यहाँ पे इंक्रीज किया गया है 16 से और यहाँ डिक्रीज किया गया है 9 से, किसी कोई दिक्कत? आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए इस वैल्यू को, कितने हो जाएगा? 13 × 16 हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 208, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा? 63, और डिवाइड बाई करेंगे कितना? 20, टोटल नंबर कितना है? 20 है,
यहाँ इसका डिफरेंस हो जाएगा कितना 145 बाई 20, यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस 7.25। ओके 7.25 प्लस का है तो बस इसमें ऐड कर लीजिए, कहाँ गया 58 में, 58 में इसको ऐड कर लीजिए 7.25, आपका जो फाइनल आंसर है वो है 65.25, ऑप्शन नंबर सी। तो काफी सिंपल सी बात है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पर पीछे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन जस्ट आज के ही वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, शुरुआत का क्वेश्चन इस पर बेस्ट था। ओके यहाँ पे अगर आप चाहते हैं वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाना तो भी आप लगा सकते हैं, काफी सिंपल है। थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं इस पार्ट को। ओके देखिए यहाँ पर वेटेड एवरेज कैसे लगे, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना था 13 और 7 का रेशियो है, और यहाँ पे इसका कितना है प्लस 16 है, और यहाँ पे माइनस का 9 है। तो इसका मान लेते हैं कि बेस वैल्यू कितना है 16 मान लेते हैं। 16 क्यों मानेंगे, ताकि यहाँ पे कैलकुलेशन इजी हो जाए, बड़ा नंबर है। चलिए अब यहाँ पे 16 से कंपेयर करते हैं, इस 16 से कंपेयर करेंगे ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना का आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा माइनस का 25, माइनस का 25, टोटल कितना नंबर है 20 नंबर है। तो बस इससे इसको कीजिए क्या सॉरी ये कितना होगा माइनस का 25 इंटू टोटल नंबर कितना है 7 है, यहाँ पे माइनस 25 आएगा ना, माइनस 25 इंटू 7 करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा काट लेते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यानी ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 17, 7 बजे 35 बटे 4, यानी 35 बटे 4 यानी 8 चौके 32, 8 माइनस करेंगे यानी कि 8.75, यानी हो जाएगा कितना 7.25, इसका वैल्यू कितना आएगा 8.75, ये माइनस करेंगे इससे तो 7.25 बचेगा। तो देखिए ये अभी भी प्लस का वैल्यू आ गया, प्लस का वैल्यू आ गया, तो डेफिनेटली आपका जो पहले वाला एवरेज था इसमें इसको इंक्लूड कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा इसमें 7 ऐड कर लीजिए, तो अभी 65.25 इज द राइट आंसर। किसी कोई दिक्कत नहीं, इस पर बेस्ट आप बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो क्वेश्चन काफी सिंपल था, ठीक है। ऑलराइट तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10, और ये है आज के क्लास का लास्ट वीडियो, इसके बाद मिलेंगे अगले क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं। क्वेश्चन क्या है, इन एलपीयू कॉलेज इन बेटेक ईसीई ब्रांच देयर आर 3 सेक्शन ए बी सी, ठीक है 3 सेक्शन है ए बी और सी, ठीक सॉरी इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए बी सी आर 95 उसके बाद क्या है एंड देयर एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए बी सी, इसका एवरेज मार्क्स दिया हुआ है, यह कितना है 83 78 और 85। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर आप जो कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। देखिए 95 और 171 को देख के आपको एक बात तो बिल्कुल याद आ गया होगा, ये 19 का मल्टीपल होने वाला है, इसका सिंपल रेशियो लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन क्या हो जाए सिंपल हो जाए। इसको क्यों हम डिवाइड करते हैं पिछले क्लास में बता चुके हैं प्रूफ के साथ, ये कितना बार में जाएगा 19 बचे 95, ये कट जाएगा 19 दाग 190 और 19 हो जाएगा यानी 11 बार में, और ये कट जाएगा 9, ठीक है यानी रेशियो कितना आ गया 5 11 और 9। ओके चलिए अब लगाते हैं यहाँ पर डेविएशन मेथड और वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना है 85 और मिनिमम वैल्यू कितना है 78, तो इसके बीच का ही कुछ ना कुछ आंसर आना है। ओके तो इसके बीच का हम एक नंबर को मान लेते हैं बेस वैल्यू। ओके तो मान लेते हैं 80 मान लिए, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे इस 80 एवरेज हम माने हैं बेस वैल्यू को, इससे कंपेयर करते हैं एवरेज को, ठीक है। तो ये कितना एक्स्ट्रा है, ये है प्लस का 3, टोटल नंबर कितना है 5, तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा प्लस का 15। चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये है 80 और ये है 78, ये कितना कम है, ये है माइनस का 2 कम, टोटल नंबर कितना है 11, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा माइनस का 22। यहां से कंपेयर करते हैं, ये है प्लस का 5, ये है टोटल नंबर 9, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 45। ओके अब बताया थे आपको वेटेड एवरेज में जब केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो सब में बांट लीजिए कितना टोटल नंबर है 11 प्लस 9 20 प्लस 5 25।
ओके करते क्या है यहाँ पर, अगर पॉजिटिव आएगा तो ऐड करेंगे, नेगेटिव आएगा तो माइनस करेंगे, तो बस सिंपल सी बात है, ऐड कीजिए और माइनस कीजिए। तो यहाँ कितना है 45 प्लस 15 हो जाएगा कितना 60, 60 माइनस 22 हो जाएगा 38, यानी ये हो जाएगा 80 प्लस का 38 बटे में 25। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक समझने में किसी भाई को कोई दिक्कत? ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं बहुत अच्छे से और एग्जाम्पल से आपको ये सब कुछ प्रैक्टिस भी करा चुके हैं। ओके तो यहाँ पर हम करते हैं सॉल्व इसको। अब आगे ये कितना है 80 है और 38 को 25 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में तो जाएगा ही जाएगा, यानी 81 के आसपास ऑप्शन में जो दिख रहा है तो दो दो ऑप्शन सेम दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद कितना कट जाएगा, ये कटेगा 5 बार में 0.5 और उसके बाद में 2 प्लस 10 यस 2, यानी करेक्ट आंसर क्या है 81.52 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हैं इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आता है और मॉक टेस्ट में 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं इतना जल्दी, तो बिल्कुल आप जो कंटेंट देख रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन और आपके प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, इसका कंटेंट अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।